Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस lecture में हम देखेंगे class 12th के unit 3rd मतलब matrices का topic properties of matrix addition. ठीक है, दो matrices को जब हम add करते हैं तो वो एक law को follow करती है which is associative law. ठीक है, उसके लिए ये हमें पता होना चाहिए कि हम दो या दो से ज़्यादा matrices को सिर्फ और सिर्फ तब ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर कैसा होता है सेम, मतलब तीनों या सभी में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं इक्वल. ठीक है, तो क्योंकि एसोसिएटिव लॉ है तो हमारे पास तीन मैट्राइसेस हम लेते हैं ए बी सी. ठीक है, तो हम मानते हैं इफ ए बी एंड C आर थ्री मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर से एम बाय एन, देन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ A plus B plus C will be equals to A plus B plus C. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास तीन मैट्राइसेस होती हैं A, B और C, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि पहले हम A में B को ऐड करें और उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें C मैट्रिक्स को ऐड करें, या फिर A में B plus C को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसमें ऐड करें. दोनों ही तरीके से जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी इक्वल. ओके, सो हम इसका एक प्रूफ देखते हैं. अगर मान लो कि ए प्लस बी कर रहे हैं और उसमें सी को ऐड कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट में बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे लिख सकते हैं. ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, मतलब हम इनको इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फिर से ऐड कर देंगे. तो हम इसे लिखेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे. ठीक है, अब देखो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे अगर हम लिखते हैं तो इसे हम ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे लिखें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल एडिशन होता है वो क्या होता है एसोसिएटिव. ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सिंस एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव. ठीक है, और इसे फिर से ब्रेक करके हम कैसा लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और वी कैन फर्दर राइट इट एज ए आई जे प्लस मैट्रिक्स विद बी आई जे प्लस सी आई जे. ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के बराबर. ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हेंस मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव. ओके, यही हमें देखना था कि हर केस में मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है एसोसिएटिव, या हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है. ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. तीन मैट्राइसेस ले लेते हैं सेम ऑर्डर की ए बी और सी. ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 1 0, बी में एलिमेंट्स मान लेते हैं हम 2 1 3 1, और सी में एलिमेंट्स मान लेते हैं हम 4 1 0 2. ठीक है, अब इन तीनों के लिए हम एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले ए और बी मैट्राइसेस को आपस में ऐड करेंगे
फिर इनके सम में हम सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ए और बी के करस्पॉन्डिंग प्लेसेस वाले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 3 4, एंड 0 प्लस 1 1। इसमें नेक्स्ट मैट्रिक्स को ऐड करना है 4 0 1 एंड 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, एंड 1 प्लस 2 3। ओके, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली ए में बी प्लस सी को ऐड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ बी एंड सी मैट्रिक्स। ओके, सो बी एंड सी मैट्राइसिस को ऐड करते हैं क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 0 3, एंड 1 प्लस 2 3। अब इन दोनों को ऐड किया तो 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, एंड 0 प्लस 3 3। ओके, सो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इनके एल एच एस इक्वल होंगे क्योंकि आर एच एस में मैट्राइसिस इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस। ओके, तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ को मैट्रिक्स एडिशन के लिए वेरीफाई कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।